रास्ते के साइड में एक एलिफेंट देखा हम लोगों को, तो उसके वजह से थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं, तो गाइस अभी गुवाहाटी में भटक रहे हैं हम लोग। तो गाइस अच्छा मैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया जर्नी पर निकल चुका हूँ। ये देख सकते हैं बाइक पूरा, ये ब्रेक भी बांध लिया अच्छे से और गाड़ी में पूरा फ्यूल अप करा लिया। ये देख सकते हैं टैंकी फुल दिखा रहा है। तो आज हम लोग गुवाहाटी जाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं अभी तक मैं 39 किलोमीटर आया हूँ घर से, और ये देख सकते हैं टैंकी पूरा फुल दिखा रहा है, पूरा फ्यूल अप करा लिया। तो अभी मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ नुमोलीगढ़ में, और यहाँ से डायरेक्ट रुकेंगे काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ पर ही रुकेंगे। तो चलिए गाइस ये देख सकते हैं यहाँ से गुवाहाटी 257 किलोमीटर दिखा रहा है, नौगांव 127, काजीरंगा 35। तो पहले अभी 35 किलोमीटर जाएंगे काजीरंगा तक, वहाँ पर रुकेंगे, तो उसके बाद फिर नौगांव, उसके बाद फिर गुवाहाटी। तो चलिए तो जी गाइस अभी हम लोग आके काजीरंगा पहुँच चुके हैं, काजीरंगा से होकर जा रहे हैं, एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट में जाके रुकेंगे। अभी तक तो देखा नहीं है हम लोगों को, जहाँ पर भी मतलब अच्छा लगेगा वहाँ पर ही जाके रुकेंगे। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, और ये ना काजीरंगा का ये रास्ता बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर लगा के रखा है ना 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकते हैं, बीस मतलब जा सकते हैं थोड़ा सा, तो फिर भी डर लगता है क्योंकि सामने कैमरा लगा होता है ना, तो इसके वजह से भाई साहब पकड़ा गया तो 5000 का चलान आएगा। तो उससे अच्छा धीरे धीरे जाना ही ठीक है। अभी हम लोग कोहरा के पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पर 5 मिनट का एक ब्रेक लिया था, तो पीछे राइट कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे जाकर शायद से पूर्णिमा जो मंदिर है वहाँ पर जाकर रुकेंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से ना हो सके जल्दी, और अभी हम लोग का एक प्लान बना है, ये नौगांव में ये महामृत्युंजय मंदिर है ना, एक शिव मंदिर, तो वहाँ पर जाने का भी एक प्लान बना है, तो देखते हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो जी गाइस अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ एक फ़ोटो खींचने के लिए थंबनेल के लिए, तो पहले मोबाइल को निकालना पड़ेगा यहाँ से, अभी खींचेंगे फ़ोटो। तो जी गाइस अभी हम लोग ने जस्ट बुढ़ीमाई मंदिर क्रॉस किया, और रास्ते के साइड में एक एलिफेंट देखा हम लोगों को, तो उसके वजह से थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं एलिफेंट, और इस साइड में भी है एक और झाड़ी के पीछे, ये देख सकते हैं वहाँ पर भी एक एलिफेंट है। तो जी गाइस ये देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये साइड में गाड़ी रुका हुआ है, यहाँ से आप लोग गाड़ी हायर करके जा सकते हैं अंदर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तो आगे का राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और ये देख सकते हैं ट्रक के पीछे लिखा हुआ है डोंट किल मी। अरे भाई साहब बहुत पैर कर दिया ये ट्रक वालों ने, डोंट किल मी, इसको देख देख कर ही जा रहा हूँ अभी, बहुत हंसी भी आ रहा है, और जिसने भी लिखा है ना वो मतलब गजब का आदमी होगा शायद। गाइस अभी हम लोग
खलजा क्रॉस किया। क्रॉस करके चौखला बंडा आके पहुँच चुका हूँ। यहाँ चौखला बंडा में खाएंगे अभी, तो उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे वहाँ से मंदिर देखने के लिए। चलिए तो जी गाइस, अभी हम लोग महामृत्युंजय मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी जीपीएस ने 100 मीटर दिखा रहा है, तो पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बाइक নিব পাৰিম না? तो जी गाइस, अभी हम लोग आके महामृत्युंजय मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं पीछे है मेरा, और इसका ये शिवलिंग का हाइट 126 फीट है, और ये देख सकते हैं यही मेन शिवलिंग है, इसका हाइट 126 फीट है। और बहुत दिन से मेरे को यहाँ पर आने का मन था, बस फाइनली यहाँ पर आया हूँ। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग सिनेमेटिक शॉट देख लीजिए। तो जी गाइस, अभी महामृत्युंजय मंदिर से गुवाहाटी की तरफ जाने वाला हूँ। यहाँ पर लगभग 1 घंटा जैसा रुका, और बहुत दिन से मेरा सपना था यहाँ पर आने का, तो फाइनली आज मेरा सपना पूरा हुआ। और ये लास्ट बार दिखा रहा हूँ, यही है मेन शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर। तो बस यहाँ से निकलते हैं अब गुवाहाटी के लिए। और अभी टाइम देख सकते हैं 3:45 हुआ है, तो गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते लगभग 7 या 8 बज जाएगा। तो चलिए निकलते हैं। तो जी गाइस, अभी रोहा टोल गेट पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं जूराबाद, और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कमाई करके जाएंगे। तो जाते हैं अभी। तो जी गाइस, अभी हम लोग आके गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, और अभी यहां से जाएंगे नूनमती, और आज का रात नूनमत में ही स्टे करेंगे। तो चलिए। तो जी गाइस, अभी गुवाहाटी में भटक रहे हैं हम लोग, मतलब हम रूम की तरफ ही जा रहे हैं, दूसरा रूम है नूनमती में, वहां पर ही जा रहे हैं फिलहाल। तो ये देख सकते हैं रात में गुवाहाटी कैसा लगता है देखने के लिए। स्ट्रीट लाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन कलर और ब्लू कलर का, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस चुका हूँ आके। तो जी गाइस, अभी मैं फाइनली आके मेरा दोस्त का रूम पहुँच चुका हूँ, और अभी खाना पीना खा लिया, और अभी थोड़ा सा टेरेस में आया हूँ ये देखने के लिए। और ये देख सकते हैं रात में गुवाहाटी सिटी कैसे चमकते हैं। इस तरफ गुवाहाटी ये रिफाइनरी है, ये देख सकते हैं, और इस तरफ है नूनमती रेल स्टेशन, और यही है आज का रात यहाँ पर ही स्टे करूँगा। तो आज का वीडियो देखकर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ नया एक वीडियो के साथ।